नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स। अब कोचिंग संचालकों की मनमानी नहीं चलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि अब उन सब पर नकेल कसने जा रही है। आप सबको हमने बताया था कि किस तरीके से, जो अवैध तरीके से कोचिंग चलाए जा रहे हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बच्चों की बैठने की मूलभूत सुविधा तक नहीं है, अब ऐसे कोचिंग को चिन्हित किया गया है और बंद कर दिया गया है। बीच में कुछ विवाद हुआ, लेकिन अब फिर से पूरे राज्य भर के ऐसे कोचिंग संचालक जो बच्चों को मूलभूत सुविधा भी मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, वैसे सारे कोचिंग बंद होने जा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने एडमिशन लाखों रुपए लेकर लिया है, और अगर उनका कोचिंग बंद हो जाता है तो फिर क्या होने वाला। लेकिन आप वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि आखिरकार आपके कोचिंग का भी नाम तो नहीं है जो बंद होने हैं। आपको बताते चले कि बिहार सरकार राज्य भर में संचालित कोचिंग संस्थानों की नकेल कसेगी। इन संस्थानों को संचालन के लिए हर हाल में राज्य सरकार से निबंध कराना होगा, तय मानक के अनुरूप सुविधाएं देनी होगी। साथ ही तमाम कोर्सों के लिए योग्य शिक्षक की टीम जरूरी आधारभूत सूचनाएं रखनी होगी। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों को निबंधन आवेदन के समय ही संचालित कोर्सों के लिए शुल्क की जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी। राज्य में निजी कोचिंग संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए बिहार कोचिंग संस्था अधिनियम 2010 लागू है। राज्य मंत्रिमंडल, विधानमंडल के दोनों सदस्यों और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह अधिनियम 28 अप्रैल 2010 को बिहार गजट में प्रकाशित हुआ और तभी से लागू है। लेकिन अब तक इस अधिनियम को लागू करने के लिए नियमावली नहीं बनी थी। अधिनियम बनने के 12 साल बाद अब इसकी कवायद तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्था नियमावली 2022 प्रारूप बना लिया है। इसे विभागीय वेबसाइट state.bihar.in पर जाकर आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी नियमावली प्रारूप को लेकर सभी हितधारकों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने आम सूचना जारी करते हुए 31 मई तक सुझाव मांगे हैं। कोई भी अपना सुझाव निदेशक माध्यमिक के ईमेल आईडी directors.edu@gmail.com पर दे सकते हैं। नियमावली लागू होने के 30 दिनों के अंदर सभी कोचिंग को जो है आवेदन करना होगा। बिहार कोचिंग संस्था नियमावली 2022 लागू होने के 30 दिनों के अंदर ही आपको जो सभी कोचिंग संस्थान है निर्धारित प्रारूप में निबंधन के लिए पंजीकरण समिति के समक्ष आवेदन करना होगा। 5000 का निबंधन शुल्क, जबकि नवीनीकरण शुल्क 3000 है। आवेदन के साथ पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि, शिक्षण फीस, भौतिक संरचना की जानकारी देनी होगी। वर्ग कक्ष का न्यूनतम क्षेत्र प्रति छात्र 1 वर्ग मीटर होगा। शिक्षकों का बायोडाटा भी देना होगा। न्यूनतम स्नातक योग्यताधारी या सेवानिवृत्त शिक्षक ही पढ़ा सकेंगे। बिना पंजीकरण कोचिंग चलाना अपराध की श्रेणी में आएगा। प्रस्तावित नियमावली के मुताबिक बिना निबंधन या इसके नवीनीकरण कोचिंग चलाना विशिष्टताओं या किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन नियमावली के मुताबिक अपराध होगा। यानी कि अगर आप नियम फॉलो नहीं करते हैं और उसके बाद भी आप कोचिंग चलाते हैं तो ये अपराध के श्रेणी में रखा जाएगा। नियमावली अथवा अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन पर अगर आप कोई भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो 25,000, और दोबारा अगर ये उल्लंघन करते हैं एक बार पेनल्टी देने के बाद तो 1,00,000, और उसके बाद कारण परीक्षा की सुनवाई का अवसर देकर निबंधन रद्द कर दिया जाएगा आपका। आपको बताते चले कि इसके लिए 4 सदस्य की कमेटी जो है वो लगेगी और SDO जो है इसका जांच करेंगे। नियमावली लागू होने के 15 दिन के अंदर पंजीकरण समिति का गठन सभी DM करेंगे। इसमें खुद DM, SP, DEO और एक अंगीभूत कॉलेज के प्राचार्य होंगे। DM को नियमावली गठन के 15 दिनों के अंदर जांच कमेटी भी बनानी है। जांच DM या SDO के स्तर के नीचे के अफसर नहीं करेंगे, मतलब अपर लेवल के जो अधिकारी हैं वो इस जांच को देखेंगे और जांच करेंगे। नियमावली में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ शिकायत, सुनवाई
और अपील के प्रावधान तथा इनके शुल्क भी तय होंगे। मतलब अब सरकार पूरी व्यवस्था कर चुकी है कि एक एक कोचिंग संचालकों पर नकेल कसने वाली है। अगर नियम के विरुद्ध जाते हैं तो जुर्माना भी भरपूर देना होगा। और इसमें नीचे लेवल के जो अधिकारी है वो काम नहीं करेंगे, ये सारा देखरेख डीएम के देखरेख में होगा और अपर लेवल के जो अधिकारी है उनके देखरेख में ये पूरा कार्य चलाया जाएगा। अब ऐसे में देखना ये है कि अगर ये नियम लागू होता है, ये चीजें हो रही हैं, तो क्या कोचिंग की जो व्यवस्था है वो सुधरती है या नहीं, और जो पढ़ाई कोचिंग में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें ये भी है कि ग्रेजुएशन पास ही टीचर होने चाहिए, तो पढ़ाई व्यवस्था जो है वो बेहतर होती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।